देख पा रहे हो दोस्तों, बारिश होने लगी है यार। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए YouTube वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के पहाड़ पे आप सबको घुमाने वाला हूँ। आप लोग देख ले भी, हम लोग बाइक से जा ही रहे हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का सारा नज़ारा आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और घुमाएंगे ना कि आप सच में दंग रह जाएंगे। अब देख ले, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये पीछे पूरा सारा पहाड़ ही है दोस्तों, ये पीछे पीछे ना सारा पहाड़ आपको दिख रहा है, देख पा रहे हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है दोस्तों। बारिश का मौसम है और बारिश हो भी रहा है इस समय, टिप टिप बूंदें पड़ रही हैं मुझ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और नज़ारे की तो बात आप पूछो ही मत यार। मेरे पीछे ये देखो आप, ये है वो क्या, ये नदियाँ हैं, मतलब इसको बांधा कहते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा पानी रहता है, लेकिन अभी सूखी पड़ी हुई है जो कि बारिश नहीं हो रहा है इस वजह से। और पीछे उसके बाद वहाँ पे जो पीछे आप देख पा रहे हो ना, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पूरा पहाड़ टोटल पहाड़ है, बीच से रास्ता निकला हुआ है। अमरनाथ यात्रा जैसा आपने देखा ना होगा, बिल्कुल वैसे ही है। अमरनाथ यात्रा भी कोई सीधी पहाड़ है, बिल्कुल वैसे ही देख लो आप, बिल्कुल वैसे ही नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बारिश होने लगी है यार, पेड़ के छांव के नीचे मैं भी खड़ा हूँ। बारिश बंद होती है तो आगे हम कुछ करते हैं और व्लॉग बनाते हैं ना, चलो। तो गाइस, बारिश अभी बंद हो गई है और हम पहाड़ के ऊपर बीचों बीच चलने वाले हैं। आप देख पा रहे हो पहाड़, ठीक है, वहीं पे हम चलेंगे और अपने भाई जी। आप देख पा रहे होंगे हम धीरे धीरे नज़दीक हो रहे हैं पहाड़ के, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। बीच से रोड निकला है और ऊपर आपके आपको पूरा पहाड़ का ही लुक दिखाई दे रहा होगा, गजब का लग रहा है। यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि आज मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा भी सी धूप नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। तो अब नज़दीक नज़दीक धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं। चला गया बम्बई तक, दिखाबे नहीं करब, गांव में चिन्हबे नहीं करब, केहन कहाँ जाइए। 15-16 से के तहु होए मेरे तो निशान है उनके युवा आवा आवा बहुत अच्छी जगह बैठी है। कहाँ जाए तो कमलेश बना आवा आगे आगे ट्राई करूँ देखा चला अपन वाला काम कर भगवान। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ, 400 सीढ़ियाँ हैं, 400 सीढ़ियों को पार करने के बाद हम नीचे जाते हैं, और चढ़ने के लिए भी 400 सीढ़ियों का यूज करना पड़ता है। तो आप देखें सारा सीढ़ियाँ ही है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं रोड पे, ये तो नीचे का आकार हो गया ना, नीचा नीचे बहुत ही गहरा है। ये पहाड़ी पहाड़ है सर, और इसके साइड में रोड है, पहाड़ के पास ही बनाया गया है। गुफा है, गुफा इसके अंदर दोस्तों, गुफा है आप देख लें, और देखते हैं गुफा। अरे यार ये गुफा है, इसके अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, अंदर तक
बहुत अंदर तो मतलब निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि अंदर गुफा है, आप लोग देख लें, बहुत अंदर तक है। और ये पहाड़ के ठीक ऊपर है, और इसके नीचे का नज़ारा आप लोग देखें दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे बहुत गहरा है, रिस्क ले रहे हैं आपके लिए, रिस्क ले रहे हैं, देख लो आप बहुत रेंज, और यहाँ पे आपको गुफा मिल जाती है अंदर, ठीक है। आइए मुश्ताक भाई, हाँ बारिश होने लगी है तो चलते हैं हम वापस, क्योंकि बारिश में हो सकता है फ़ोन ख़राब हो जाए, फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आप लोग के लिए काम भी नहीं कर सकता फिर, तभी हम यहीं पे ऑन ऑफ करते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे नीचे सारा पेड़, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ है ना, लेकिन यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे सारा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच इसरार ऑफिशियल चैनल का ब्लॉग बन रहा है दोस्तों, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देख रहे बहुत ही गहरा है, मुझे खुद दिखाने में डर लग रहा है, ये देख रहे हो आप बहुत गहरा है, नज़ारा बहुत ही औसम है आज का, बादल भी काफ़ी बारिशाना हो रहे हैं।